चलिए आज बनाते हैं मेरी, आपकी और मोस्टली सभी की एक बहुत ही पसंदीदा डिश, साबूदाना वड़ा। शायद ही मुझे लगता है कोई होगा जिसे साबूदाना वड़ा पसंद ना हो। इसका मेरा एक अपना वर्जन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप साबूदाना लिया है जिसे मैंने 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आगे हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। एक एक दाने आप देखिए अलग अलग है और ये एकदम परफेक्टली भीगे हैं। आगे इसमें जाएगी हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप की है। करी पत्ता ऐड किया है। 4 चम्मच भुनी हुई मूँगफली का पाउडर डाला है। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा डाला है और हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें खूब सारा। 3 बॉइल्ड आलू है जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। आप इन्हें मैश भी कर सकते हैं ग्रेट करने के बजाय। और ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, फ्रेश कोकोनट। 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने और इसमें नींबू का रस खटास के लिए डालेंगे। आप यहाँ पे 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। प्रपोर्शन आपको प्रॉपर रखना है तो ही जो वड़ा है वो अच्छे से बाइंड होगा और तलते समय फटेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं एकदम नाइसली कंबाइन हुआ है सारा। हल्का सा मैंने पानी में हाथ को गीला कर लिया है और इसके राउंड राउंड वड़े हम बनाएंगे। जैसा आपको शेप चाहिए, छोटा या बड़ा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जो साबूदाना वड़ा है वो राउंड शेप का ही रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा वड़ा गोल बनाया है और हल्का सा स्लाइटली उसको दबा देंगे। एजेस को आपको अच्छे से फिक्स करना है वरना तलते समय ये कई बार खुल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये परफेक्ट एक हमारा वड़ा बनके तैयार है। कुछ वड़े मैं छोटे साइज़ के भी आपको बताती हूँ बना के। थोड़ा सा छोटा पोर्शन लेके सेम प्रोसेस से आप इस तरीके से छोटे साइज़ के मिनी वड़े बना सकते हैं। एक हम इसको थोड़ा मेंदू वड़े का शेप दे रहे हैं। तो वड़े को फ्लैट करने के बाद मैंने उंगली से इसमें सा होल कर लिया है। आगे हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म अगर आप ऑयल में इन्हें डालेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और खाते समय जो है हल्के से कड़वे लगते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इन्हें फ्राई करना है। देख सकते हैं वड़े जो हैं एकदम अच्छे से फूल गए हैं। हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं ऐड किया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। बारिश के मौसम में एज अ स्नैक बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर साबूदाना वड़े के लिए तो कोई स्पेशल ओकेजन नहीं चाहिए रहता है खाने के लिए। आप किसी भी टाइम इसे बना के खा सकते हैं। गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा बन के तैयार है। एक बार इस प्रोसेस से ज़रूर ये वड़े बनाकर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। एकदम क्रिस्पी बने हैं ये वड़े और आप देख सकते हैं ऊपर जो साबूदाने के चंक्स हैं वो अलग से ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखने में टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और खाने में तो आप बनाएंगे तो आप ज़रूर उसे लाइक करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।